कर दोस्तों राधा मोहन का आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से साफ साफ सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं मोहन इस समय राधा को। राधा से बोलेंगे, राधा तुम्हें इस घर को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बच्चे को क्या चाहिए, एक बच्चे को अपने माँ बाप चाहिए, और जब तक माँ बाप सही हैं बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को एक माँ का प्यार दो। वाकई में दोस्तों इस चीज़ को सुनने के बाद मैं अब दामिनी बहुत ज़्यादा शौक हो चुकी है कि ये तो कहीं ना कहीं मेरे साथ में साजिश की है मोहन ने, अब मैं मोहन से भी बदला लूँगी। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि राधा मोहन के आने वाला एपिसोड वाकई में अत्यंत दिलचस्प है, जिसके बाद मोहन बोलते हुए नजर आने वाले हैं राधा से कि राधा क्यों ना हम एक जिंदगी की प्यार के साथ में शुरुआत नहीं कर सकते। आप लोग जानते ही हैं कि राधा वाकई में बहुत भोली हैं, उसे ये नहीं पता कि दामिनी भी तुम्हारे साथ में कुछ मारने की तुम्हें साजिश करने वाली है, क्योंकि दामिनी अपने होते हुए मोहन और राधा को एक ना होने की बात बोल रही है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि राधा मोहन को अलग अलग करने के लिए उसने बहुत पहले से ही साजिश रच रखी है। अब देखना होगा, क्योंकि मोहन के होते हुए हालांकि राधा को कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोहन कुछ भी कर सकता है लेकिन राधा को कभी भी खतरे मोल नहीं लेने देगा, क्योंकि जहां पर मौत खड़ी होगी वहां पर खुद मोहन खुद खड़ा हो जाएगा लेकिन राधा को बचाकर ही छोड़ेगा। लेकिन आने वाली कहानी का जो एक दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिलेगा वो भी आप लोगों के बीच में घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा। जहाँ आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त मोहन बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि राधा तुम्हें किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम गुनगुन का अच्छे से ख्याल रखो। वाकई में मैं चाहता भी यही हूँ कि तुम गुनगुन का एक ख्याल रखो और मैं तुम्हारे साथ हूँ किसी भी फैसले में। क्योंकि दोस्तों कहानी में बहुत ट्विस्ट बदलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर। जी हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग